वेलकम टू एग्जाम पर हम हैं कलम से क्रांति। मैं पूर्णिमा गौड़ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आप लोगों के विज्ञान के पंचामृत में, जहाँ पे हम 5 क्वेश्चंस करते हैं साइंस के। तो चलिए फिर अपने क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के आज के पंचामृत में आ जाता है कि कैंथ्रोफिली क्या है। देखिये, कैंथ्रोफिली जो है एक प्रकार का परागण होता है, लेकिन कौन से जीव के कारण ये परागण होता है? चमगादड़ के कारण, भ्रंग के कारण, घोंगे के कारण, या फिर पक्षियों के कारण? तो देखिए, यहाँ पे आप लोगों को एक प्यारा सा बीटल दिखाई दे रहा है, ठीक है, लेडी बग इसको हम कहते हैं। तो ये जो आप यहाँ पे क्या बोलते हैं बता सकते हैं आप हमें? ठीक है, तो ये जो भ्रंग होता है ना, ये क्या करेगा, ये फूल के ऊपर या फिर फूल के ऊपर जब बैठता है तो क्या करता है, ये फूल के अंदर के पराग कणों को अपने पैरों में चिपका लेता है। अपने पैरों में जब इसने अपने पराग कणों को चिपका लिया, तो अब ये उसके फूल के वर्तिकाग पे पहुंचा। जैसे इसने वर्तिकाग पे पहुंचा, यहाँ पे हो जाएगा परागण। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाता है बेटा, परागण। तो भ्रंग के द्वारा जो परागण होता है उसको हम कैंथ्रोफिली कहते हैं। अब आज का आपका होमवर्क क्वेश्चन क्या है कि पक्षियों, घोंघे और चमगादड़ के कारण जो परागण होता है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है, अलग अलग जीवों से अलग अलग परागण, उनकी प्रक्रिया आपसे पूछी गई है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कोशिकांग का नाम क्या है जिसमें प्रकाश संश्लेषण होता है। भाई, प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ये उपरोक्त में से कोई नहीं। बहुत ध्यान से देखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, कि भाई ये बेचारा एक क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट है जो कहाँ है, पत्तियों के रंध्र में मौजूद है। ठीक है, किसमें मौजूद है, पत्तियों के रंध्र में। यहां से क्या होगा, यहां से सनलाइट आपकी ट्रैप करी जाएगी, और ये जो सनलाइट होती है, जैसे ये ट्रैप होगी वैसे क्या होगा, यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है इनके अंदर रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और उस रिएक्शन से क्या बनेगा, ऑक्सीजन बनेगा और ग्लूकोज बनेगा, C6H12O6 बन जाएगा। ठीक है, और इसी प्रक्रिया को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ये काम हो किस चीज के अंदर रहा है, यह क्लोरोप्लास्ट के कारण बनता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है, और वही जो क्लोरोफिल है वो क्या करता है बेटा, वही धूप को ट्रैप करेगा और वहीं पे खाना बनेगा। इसीलिए हम इस क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ सेल कहते हैं, कोशिका का रसोई घर। ठीक है, क्या कहते हैं हम इसको, कोशिका का रसोई घर कह देते हैं। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट स्टोरेज का काम करता है, भंडारण का कार्य करता है। ठीक है, और नेक्स्ट जो क्रोमोप्लास्ट है, ये रंग देने का कार्य करता है, जैसे हल्दी का रंग पीला क्यों, भैया करक्यूमिन है वर्णक। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला सवाल आपसे कहता है डीएनए के वॉटसन और क्रिक मॉडल हेतु निम्नलिखित में से कौन सा असत्य कथन है। भाई देखो, क्वेश्चन बहुत बड़ा सा दिखाई दे रहा है आप लोगों को, लेकिन है बहुत इजी। कहोगे कैसे, देखिए यहाँ पे आपसे ना डीएनए की संरचना के बारे में बात करी गई है। जब भी हम डीएनए की संरचना के बारे में देखते हैं बेटा, ये माइनर ग्रूव है, यानी कि छोटा खांचा है, ये बड़ा खांचा है। ठीक है, इसको हम मेजर ग्रूव कहते हैं और इसको हम माइनर ग्रूव कहते हैं। छोटा खांचा, बड़ा खांचा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, कुंडली में गहरे चौड़े बड़े खांचे और छिछले संकीर्ण छोटे खांचे होते हैं। बिल्कुल सही बात है, गहरे चौड़े खांचे हैं और छिछले यानी कि उठे हुए। ठीक है, उठे हुए कैसे हैं, नैरो माइनर ग्रूव्स होते हैं। तो हमने अभी अभी ये देखा बच्चे, क्या है ये देखिए, ये उठे हुए हैं। ठीक है, और ये कैसे खांचे हैं, ये आपको उभरे हुए छोटे खांचे दिख रहे हैं, जबकि ये क्या है, बढ़े हुए अंदर गहरे से खांचे हमको दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट चीज देखिए, दोनों तंतु प्रति समानांतर चलते हैं। जी बिल्कुल सही बात है, भाई देखो यहाँ पे ये वाला जो आपका तंतु है, ये होगा 3-5-। ठीक है, दूसरी तरफ ये जो दूसरे वाला तंतु है, ये कौन सा होगा बच्चा, ये होगा 5-3। ठीक है, ये क्या होगा, 5-3। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल है। ठीक है, एक एक तंतु ऐसे है तो दूसरा तंतु ऐसे है, और इनके बीच में यूं कुंडलित संरचना बन रही है। तो इसका मतलब ये एक दूसरे के एंटी पैरेलल है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। अच्छा, ये प्रत्येक घुमाव जो होता है ये 34 आर्मस्ट्रॉन्ग पे होता है। बिल्कुल सही बात है बच्चा, प्रत्येक जो एक कर्व आया ना ऐसे, ये किस पे आता है, ये 34 आर्मस्ट्रॉन्ग के डिस्टेंस पे आता है। ठीक है, 34 आर्मस्ट्रॉन्ग के डिस्टेंस पे आता है, और एक आर्मस्ट्रॉन्ग कितने का होता है, 10^-10 मीटर। ठीक है, इतने डिस्टेंस पे ये आ जाता है। और लास्ट आपसे कहता है कि 3 हाइड्रोजन बंधों द्वारा थायमिन के साथ एडेन संगठित है, मतलब ये रहा एडेन
और इसमें आ गया 3 बॉन्ड के साथ थायमिन। बेटा यही तो गलत बात है यहाँ, क्यों? क्योंकि जो एडेनिन और थायमिन होते हैं जब हम इनकी बात करते हैं, ये दोनों आपके डबल बॉन्ड से जुड़े हैं, जबकि साइटोसिन और ग्वानिन किससे जुड़े हैं? ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हैं। तो इस वजह से डी स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाती है, बाकी स्टेटमेंट आपकी सारी करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि किसी आसानी से एक दरवाजे को खोलने के लिए हैंडल को किस जगह लगाना चाहिए, बताइए। हैंडल को डैश किया जाना चाहिए, कब्जे के पास लगाया जाना चाहिए, कब्जे के विपरीत मध्य बिंदु से दूर, यानी कि यहां पे आपके कब्जे लगे हुए हैं दरवाजे के, ठीक है, और यहां पे आपका हैंडल हो गया, ठीक है, तो कब्जे से विपरीत और दरवाजे से मतलब मध्य बिंदु से दूर, ये सेंटर पॉइंट है, इससे दूर लगाना चाहिए। तीसरा है बीच में, और चौथा ऑप्शन कहता है एकदम इनमें से कोई नहीं। तो बच्चा यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अगर हमें कभी भी अपने दरवाजे के हैंडल को लगाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो दरवाजा है इसमें लगता है यहाँ पे रोटेशनल फोर्स, घूर्णन बल लगता है, रोटेशनल फोर्स लगता है, यानी कि घूर्णन बल लगता है, ठीक है। और ये जो घूर्णन बल होता है बच्चा, इसमें क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्टेंस। भैया ये जो फोर्स इनटू डिस्टेंस है ना, ये क्या है, जितना आप दूरी रखोगे ज्यादा उतना कम आपको फोर्स यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोगों को टॉर्क लगाना था, और वो जो टॉर्क है उसको देखो, जितना भी निश्चित टॉर्क है वो तो हमको लगाना ही है, लेकिन अगर हम डिस्टेंस में परिवर्तन ले आए ना तो हमको बल कम लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, आप डिस्टेंस को बढ़ा दीजिए, आपका जो फोर्स है वो कम हो जाएगा लेकिन टॉर्क आपका बराबर रहेगा। इस वजह से हम अपने दरवाजे को, दरवाजे के हैंडल को हमेशा मध्य बिंदु से दूर लगाते हैं, कब्जों से दूर, ठीक है। जैसे आपने ये दरवाजा देखा, हैंडल कहाँ लगाया आपने बच्चा, क्या कह दोगे, मैम हैंडल हमने कब्जों से दूर लगाया है, विपरीत मध्य बिंदु से दूर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, कहता है Fe2O3 और 2Al का जो रिएक्शन है, इसमें Al2O3 और 2Fe बना, ये कैसी अभिक्रिया है। बच्चे देखिए यहाँ पे ये जो एल्यूमिनियम है ये क्या है, ये फेरस से ज्यादा रिएक्टिव होती है, ठीक है। तो ये एल्यूमिनियम फेरस की जगह जाके बैठ जाएगा, ठीक है, और क्या बनाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना देगा। इस प्रकार में आपने क्या देखा कि भाई ये जो एल्यूमिनियम है, क्योंकि इसने फेरस को डिस्प्लेस कर दिया, विस्थापित कर दिया आयरन को, लोहे को, इसी वजह से कैसी अभिक्रिया हो गई बच्चे, ये हो गई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एल्यूमिनियम ने आयरन को विस्थापित कर दिया, ठीक है। तो ये जो आपकी प्रक्रिया है बच्चे, ये आई थिंक सो आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो भी ताकतवर आपका एटम होता है वो दूसरे कम ताकतवर एटम को अपनी जगह से हटा देता है, ठीक है। और इसका मैंने ट्रिक भी आप लोगों को बताया था कि केदारनाथ का माली आलू, आलू का मतलब एल्यूमिनियम, तो आलू जरा फीके पकाता है, तो एल्यूमिनियम ताकतवर है, वो फेरस को उसकी जगह से हटा देता है, ठीक है। तो चलिए फिर आज के सेशन को यही विराम देते हैं, और होमवर्क को नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और बताइएगा सेशन कैसा लगा, ठीक है। आपके आप लोगों के कमेंट्स मेरे लिए सोर्स ऑफ मोटिवेशन होते हैं, ठीक है। सेशन अच्छा लगे डेफिनेटली लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे आपसे कल के पंचामृत में। दिस इज पूर्णिमा गौर साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय।